गाइज यहाँ पर जो चप्पलों की सीटें काटी जाती हैं, जिस नंबर की सीट काटनी होती है उस हिसाब से सीट काटी जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे सिलाई होती है, उसके ऊपर की जो ज्योति है उस ज्योति की सिलाई होती है। और यहाँ पे वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइज, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आज हम जाएंगे सतपुरपुर बस्ती और आपको दिखाएंगे वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्री में जो चप्पल बनते हैं। हालांकि वहाँ पे चप्पल की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे चप्पल के फैक्ट्री में क्या माहौल है, कैसा काम हो रहा है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सतपुरपुर बस्ती तक का फुल व्यू। तो आप ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें। और अभी देख सकते हैं हम होटल से निकलने वाले हैं, इधर अंकल जी गेम खेल रहे हैं और उधर वहाँ पे मैनेजर साहब बैठे हैं हमारे, इधर गुलशन जी मैनेजर साहब कुछ रजिस्ट्री कर रहे हैं। गुलशन जी आज हम जाने वाले हैं वहाँ पे, तुम भी चलोगे साथ में सतपुरपुर बस्ती? मैं तो नौकरी करता हूँ, काम ड्यूटी पे हूँ। विमल भाई अभी ड्यूटी पे हैं, हम और विमल भाई दोनों जाने वाले हैं सतपुरपुर बस्ती और आपको दिखाएंगे जो कि हमने पहले बता दिया अभी फैक्ट्रियों का क्या माहौल है वहाँ पे, चप्पल की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज अभी फिलहाल हम ऑटो में बैठ चुके हैं, इधर विमल भाई बैठे हुए हैं, बस अब लमसम में यहाँ से एक या डेढ़ घंटे का रास्ता होगा दरियागंज से। तो फिलहाल चलिए हम आपको रोड का एक बार व्यू दिखाते हैं, कैसे कैसे भीड़ भाड़ है आप देख सकते हो। यहाँ रोड पे दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो रोड पे कैसी भीड़ भाड़ है। असरपल्ली वाली रोड है ये, जो कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, रोड पर कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो करीबन दो ढाई घंटे लग जाएंगे यहाँ से सतपुरपुर बस्ती पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं और आपको थोड़ा जल्दी पहुँचाएँगे हम और आपको दिखाते हैं। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहें, अगर चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और एक अपना पैनल से कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, तब तक लाइव म्यूजिक सुनिए और ब्लॉग को एंजॉय लीजिए। तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं फैक्ट्री के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी सीटें कटी जाती हैं और यहाँ पे जो है ये चप्पल की जो ज्योति होती है ना लेडीज़ों की, उस ज्योति की साइज काटी जाती है, किस साइज़ की ज्योति है उसी साइज़ की यहाँ पे काटी जाती है सीटें उसके ऊपर की ज्योति की। उसके बाद इसकी सिलाई होती है, सिलाई होने के बाद पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर कटिंग हो रही है उसकी और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सिलाई। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पैकिंग हो रहा है सामान और उसके बाद में यहाँ पे ये वाली जो मशीन है, इस मशीन में इसकी सिलाई हो रही है। देख सकते हो भाई कितनी स्पीड से इसकी सिलाई कर रहा है, ये उसकी सिलाई कर रहा है। इसको फिलहाल वो सल्लू बोलते हैं यहाँ पे लोग सल्लू बोलते हैं, मगर इसको गाँव में और शहरों में बाकी इसको लोग ज्योति बोलते हैं। इसी की सिलाई यहाँ पे कर रहा है सल्लू लगा लगा के, देख सकते हो जो ऊपर की ज्योति होती है उसको लगा के। यहाँ पे दूसरी मशीन चल रही है, वहाँ पे तीसरी चौथी पूरी मशीन जोरों शोरों से चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी सामान आप देख सकते हो, फर्टिलाइजर हो चुका है और पैकिंग में जा रहा है सामान। और वहाँ पे मतलब सब कुछ यहीं पे रेडी होता है, पूरा चप्पल यहाँ पे यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है, यहीं पर सिलाई होती है, यहीं पर सब कुछ होता है, यहीं पर पैकिंग भी हो जाती है, सब कुछ यहीं पर हो जाता है। इधर आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का व्यू कैसा है, सीट वोटे सब इधर कट रही हैं। और इधर एक बार देख सकते हो यहाँ पे मशीन वशीन चल रही है कितनी स्पीड से। तो गाइस अभी हम वापस वहाँ से निकल चुके हैं अपने होम पे और वहाँ से कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। इधर आप देख सकते हो अभी हम हाईवे पर हैं, मेन हाईवे, वहाँ से निकलते हुए मैंने ब्लॉग को शूट नहीं किया, सीधा ऑटो में बैठ के ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। और इधर आप देख सकते हो अभी करीबन रात के 11:30 बज चुके हैं और फिलहाल अभी रोड का कैसा व्यू है आप देख ही सकते होगे। तो गाइस आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये फैक्ट्री का वीडियो कैसा लगा और फैक्ट्री में क्या क्या, मैंने फैक्ट्री के वीडियो थोड़ा कम ही बनाया क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, इसलिए फैक्ट्री वीडियो ज़्यादा बनाया नहीं। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब।